पे ये हॉस्पिटल चल रहा है और सिर्फ यहाँ पे पैसा का खेला हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा है। बड़ा हॉस्पिटल बनाया, ममता से रुपया खा गया, बिल्डिंग बना लिया। पुराना इस्तेमाल हम लोग के लिए बेहतर था, ये जब से बना है ये इस्तेमाल हम कटवा गिरी। बताइए, इतना बड़ा हॉस्पिटल खोला, डॉक्टर नहीं है? बता दें, इस वक्त हम लोग खड़े हैं इस्लामिया हॉस्पिटल के सामने, सेंट्रल एवेन्यू के सामने। ये है इस्लामिया हॉस्पिटल। आपको बता दें कि यहाँ पर एक मरीजा की मौत हो गई है, एक 45 वर्ष की महिला की मौत हो गई है। बताया गया है कि 23 तारीख को, 23 अगस्त को महिला को यहाँ पर गोल ब्लैडर की शिकायत पर यहाँ पर भर्ती किया गया था और अब से कुछ देर पहले आज शाम 5:30 बजे के करीब उसकी मौत हो गई है। महिला इस्लामिया हॉस्पिटल के ठीक पीछे गिरी बाबू की रहने वाली है और यहाँ के लोग देख सकते हैं कि सेंट्रल एवेन्यू के इस रास्ते को जाम कर रखा है, रास्ता जाम कर रखा है। यहाँ पर जो है सेंट्रल डिवीजन की पुलिस यहाँ पर भारी तादाद में यहाँ पर मौजूद है। लोगों का क्या कुछ कहना है आइए कौन दिखाता है। जिस महिला की मौत हुई उसका नाम रुखसाना खातून, 45 वर्ष उसका एज बताया गया है और अब तक कुछ देर पहले उनकी मौत हो गई है। और यहाँ के लोग इस्लामिया हॉस्पिटल के रवैये से काफी नाराज बताए जा रहे हैं और इस्लामिया हॉस्पिटल को बंद कर दिया गया है। इस्लामिया हॉस्पिटल बंद करके और हॉस्पिटल के बाहर में पुलिस की काफी तादाद है। आप देख सकते हैं यहाँ के जांच मुकामी लोग काफी नाराज है, गुस्से में है। क्या कुछ कहना है आपको? जिनका इंतकाल हुआ, जो भर्ती हुई थी वो मेरी दौरानी थी। आपकी दौरानी थी? वो कब भर्ती हुई थी? परसों हुई थी। परसों हुई थी जी। और क्या हुआ? थाना परवीन है, हम कल आए हुए थे शाम गार्डन देखने के लिए। वो कल वो ठीक थी? कल वो ठीक थी, शाम को 6:30 बजे हम आए थे देखने के लिए। अच्छा, वो ठीक थी, आँख खोली, हाथ इशारा भी की। अच्छा, और उसके बाद अभी आज अचानक से क्या हो गया फिर? ये तो हमको नहीं पता, ये तो डॉक्टरों को ही पता होगा ना भैया, हमको तो नहीं पता। ऊपर तो जाने नहीं दे रहा है, शाम को 6 बजे जाए तो जाने नहीं दे रहा है। आदमी को मार दिया गया, हल्का सा कटने का प्रॉब्लम था, पत्थर का प्रॉब्लम था, उसे चक्कर मार दिया गया। इससे पहले भी आदमी को मारा गया था यहाँ पे। जब भी जब आदमी को कॉपरेट किया जाता है, कॉपरेट करो, कॉपरेट खाली की किया जाता है। हर बार कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। पुलिस आता बोला ये करो वो करो हम कर देंगे, कोई एक्शन नहीं लिया जाता। पुलिस भी आता है, भागो भागो भागा भागाता है, मार के भागा जाता है। कुछ नहीं कुछ किया जाता किसी को, कुछ भागो भागो भागा भागा मालो भागाते हैं। मोहल्ले के आदमी है, हम लोग कितना कॉपरेट करेंगे? अगर ये ऐसी होता होता रहेगा तो कब तक हम लोग सहेंगे? बताइए, हम लोग बताइए ना, इतना बड़ा हॉस्पिटल खोला, डॉक्टर नहीं है? पेशेंट कोई भी पेशेंट आता है तो पहले कागज मांगता, कागज दे। ये हॉस्पिटल तो पुराना हॉस्पिटल था, सही था। कोई भी पेशेंट आ रहा है तो पहले बोलता है पहले कागज दिखाइए, उसका बाद पेशेंट अंदर होगा। कोई भी आ रहा, बच के नहीं जा रहा, कोई भी गरीब आदमी का इसमें कोई की गुजारा नहीं है। अब ये थोड़ा देर पहले पैसा कर दीजिए, पार्टी को बोलता है कि जिंदा है, ठीक है, क्या इतना बिल बना के जमा कर दीजिए। उसके बाद में एक दिन के बाद डीजल देता है कि आदमी डेड, आदमी डेड। जब से बना हॉस्पिटल पूछिए कितना आदमी इसमें से मर के निकला है, पूछिए उसको, चला को बताएगा। वो चोर है, चोर चोर सिगरेटी चोर, सब कुछ चोर है। पहला एक तो स्प्रे मारने में कितना टाइम लगता है, कितना क्या, कौन कंपनी का सूता दे रहा, वो सिलाई का सूता दे रहा कौन कंपनी का? एक तो सिलाई का 500 रुपया गरीब आदमी कहाँ से लाएगा? इमरजेंसी में जब जा रहा तो कितना आदमी अच्छा हुआ। अभी पहले टिकट का 30 रुपया था, अभी समझिए 150-200 रुपया टिकट हो गया। बताइए गरीब आदमी कहाँ से दिखाएगा? हॉस्पिटल गरीब का गुजारा है, हम लोग यहाँ के रहने वाले, हम लोग बोलता पैसा टालने के लिए बनाया, कोई चीज के लिए खाली पैसा चाहिए। बोलिए, हमारा बापू था, समझे, हमारा भाई का दीदी था, जहाँ भी था आप उसको मार दिया जान, ये लोग सुई दे के पूछा, सुई दे के मारा डॉक्टर। आप कोई बात गोल्ड मेडल तो ऑपरेशन में क्या पत्थर निकाला था, पत्थर तीन दिन पहले नहीं दिया, तीन दिन का बाद मर गया। तो क्या डिमांड है आप लोग का? बंद करने का, बंद करने का डिमांड है। आज से, आज से 20 दिन कबल मुहर्रम के टाइम में भी एक आदमी मर गया या इंतकाल कर गया, आज भी हमारे घर के आदमी इंतकाल कर गए और हम लोगों को बताया नहीं किया, 3 दिन से रोक के रखे। हम लोग बोले कि बाहर जाना है, बाहर जाना है, हम लोगों को बाहर जाने के लिए भी नहीं दे रहा, पेशेंट को लेकर के जाने के लिए नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है, रोक रोक के रखे, आधा हम लोग को मार दिया। हम लोग कल बाहर लेकर के जा रहे थे, बोलो हॉस्पिटल के, हम लोग को लिख करके दीजिए, लेकिन हम लोग को जाने के लिए नहीं दिया।
अलाउ नहीं कर रहा था। नहीं अलाउ ही नहीं कर रहा, रिलीज ही नहीं कर रहा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। पेशेंट को डिस्चार्ज ही नहीं कर रहा, दूसरे जगह जाने के लिए दे ही नहीं रहा। बोले ठीक है पेशेंट। आज जो उनका मौत हुआ कैसे आप लोग को मालूम हुआ? हम लोग सुबह से यहाँ बैठे हैं सीढ़ी पे। जब आज उसके बाद मौत होने के बाद आधा घंटा तक हम लोग को रोक के रखा कि नहीं अभी इलाज चल रहा है, इलाज चल रहा है। और आधा घंटा पहले इंतकाल करके उसके बाद हम लोगों को खबर दिया कि ऐसे ऐसे बात हुआ है। तो क्या डिमांड है आप लोग का? चोर बना लिया, खाने का इनकम बना लिया इन लोग, सब खाने का इनकम बना दिया। इलाज नहीं होता, इन लोग गरीब लोग का इलाज नहीं होता है। हॉस्पिटल में जाओ, पहले कोई सुई दिलाओ या कोई पट्टी कराओ, पहले 200 रुपए का बिल बनाओ, उसके बाद में आपका पट्टी करेगा, तब उसके बाद में आपका देख करेगा। ऐसा होता है हॉस्पिटल में। डिमांड है, डिमांड है, जब तक प्रॉपर डॉक्टर नहीं आए तब तक इस्लामिया को बंद करेंगे। वार्ड बॉय, नर्स और जूनियर डॉक्टर से इस्लामिया हॉस्पिटल, इतना बड़ा हॉस्पिटल नहीं चलाना चाहिए। हर दूसरा दिन एक आदमी का जान के साथ नहीं खेलना चाहिए। हर दूसरा दिन कोई ना कोई मरता है। जब आपके पास प्रॉपर डॉक्टर नहीं है, जब आपके पास प्रॉपर डॉक्टर नहीं है, तो आपको जूनियर डॉक्टर के भरोसे में इस्लामिया इतना बड़ा हॉस्पिटल नहीं चलाना चाहिए।